ताजमहल के अंदर हमने एंट्री ले ली है गाइज। एक तो थोड़े सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एंट्री पे कैमरा नहीं दिखा सकता था मैं, और दूसरा हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। एक्चुअली 6:30 तक एंट्री होती है ताजमहल में और 5 बजे तक टिकट ऑनलाइन बिकती है, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इसलिए मैंने नहीं दिखाया अंदर का। तो आज हमारे साथ है क्षितिज। हाय गाइस। तो हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर और जैसा भी होता है वो मैं आपको ताजमहल के अंदर जाके बताता हूँ। चुके हैं ताजमहल वाले एरिया में और आप ये पीछे देख पा रहे हैं ये ताजमहल है। अब मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वैसे भी वो सब आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1631 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में जाके वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। और आपको ये तो पता ही है कि 20,000 वर्कर्स ने मिलकर ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया था और उसके बाद शाहजहाँ ने उन सबके हैंड्स को कटवा दिया था। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो अब देखते हैं थोड़ा और आगे तक जाके और जैसा भी होता है मैं आपको आगे आगे बताता रहता हूँ। एरिया में खड़ा हूँ इसको कहते हैं फोर कोर्ट एरिया। इसको फोर कोर्ट एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ में पार्क्स हैं और 4 एग्जिट्स हैं इसमें। जिस टाइम मैं जिस तरफ मैं खड़ा हूँ वो नॉर्थ वाली है, उसके पीछे साउथ है, देन ईस्ट और वेस्ट। और इस ये जो पार्क्स हैं आप पीछे फ्लावर्स देख रहे हैं जो मेरे इसमें, ये फ्लावर्स जो है हर ईयर चेंज किए जाते हैं, मतलब पैटर्न जो है वो हर ईयर चेंज किए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ताजमहल। और गाइज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट थे तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे अब अंदर, बट आप बाहर से मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लिए आप देख सकते हो। और कैसा लग रहा है क्षितिज जी आके? बहुत मज़ा आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम हो गई ना, अंदर नहीं जा पाएंगे यार, वो तो अपनी गलती है कि लेट हो गए। हमें एक्चुअली पता भी नहीं था ना, इतने पहली बार ही आया मैं तो यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, बाहर के शॉट्स देखो, इन्जॉय करो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख रहे हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ आप लोग उसको सुने। ये है ब्लैक ताजमहल की फाउंडेशन, जहाँ पे साजा अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनवा रहे थे, आपने देखा सुना होगा। तो वो टाइम पे इसमें 4 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था ताजमहल में। 4 करोड़ 1631 में जी। तो पहले पैसे नहीं चलते थे, सोना गिन्नी ये चलता था। तो औरंगजेब उनका लड़का ये बोला, आधा खजाना साजा का इसमें खाली हो गया, औरंगजेब उनका लड़का ये बोला आधा अपने इसमें कर दिया, तो अपने लिए बनवाओगे आधा उसमें कर दोगे आप, तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए औरंगजेब ने साजा को कैद कर दिया आगरे के किले में। वो देखिए, वो है आगरे का किला, वो देखिए गाइस बिल्कुल सामने है, जूम में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। वो है आगरे का किला, बिल्कुल सामने ही है ये, थोड़ा जूम किया है मैंने यहाँ पर। हाँ तो फिर आगे 8 साल उसमें कैद रहे साजा, तो उसी में डेथ हो गई साजा की। तो औरंगजेब ने उनका कब्र
ताजमहल के अंदर बनवाया। अच्छा, मुमताज का तो ऑलरेडी था, उसके बाद औरंगजेब ने साजा का बनवाया। अच्छा अच्छा, तो मुमताज का जो कब्र था वो ऑलरेडी था ताजमहल में, उसके बाद औरंगजेब ने शाहजहां का भी कब्र ताजमहल में बनवा दिया था। एक बात बता, अभी तक तूने जितने भी किले और ये ताजमहल देखा, तूने कुछ चीज ऑब्जर्व करी? मतलब बेसिकली अगर तेरे को कुछ लग रहा है, कुछ चेंजेस वगैरह, या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा है तू? मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं। गाइस, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है और जो चेंजेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ क्या है। ये जो ताजमहल है और जितने भी यहाँ पे किले हैं, चाहे वो एंट्री वाला है या ताजमहल है जो मेरे सामने मॉस्क है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इनकी सिमेट्री जो है वो चारों तरफ से इक्वल है। मतलब आप जहाँ मर्जी से भी देखोगे आपको वो एक जैसे ही दिखेंगे। ये है क्षिति जिसमें जो मैं तेरे को बताना चाह रहा हूँ, पता था ये चीज़? बिल्कुल नहीं। तो गाइस, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि चारों तरफ से ये एक जैसे ही दिखते हैं, इक्वल सिमेट्री है बिल्कुल। प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और हम लोग 6000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब को अच्छे से करना। सो भाई, थैंक यू सो मच।